Hello YouTube, this is Aadarsh and you are watching Business Skill with Aadarsh Singh. So entrepreneurs, आज हम बात करेंगे एक ऐसे business model के ऊपर, एक ऐसे business idea के ऊपर जिसके लिए पहले ही मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसके लिए आपके पास funding या फिर heavy investment होना चाहिए. यानी कि आपके पास अगर बहुत ज़्यादा पैसा है या फिर आपके पास इतना पैसा है ताकि आप वो बिज़नेस मॉडल को कर सकें, तभी आप उस बिज़नेस मॉडल में हाथ डाल सकते हैं. क्योंकि इस जो बिज़नेस मॉडल मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इसमें एक अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट आपको चाहिए होता है. तो अगर आप कहीं से इन्वेस्टमेंट ले सकते हैं इसके नाम पे, या फिर आपके बैकग्राउंड में पहले से पैसा है, तो आप इस बिज़नेस को तभी आप कर सकते हैं. सो उस बिज़नेस मॉडल का नाम है बाइसिकल बिज़नेस मॉडल, यानी कि साइकिल का स्टार्टअप. साइकिल बिज़नेस मॉडल यानी कि ऐप के थ्रू जो घंटे के हिसाब से चलती है. जैसे कि लाइक आपने ओला उबर सुना ही होगा और यूज़ भी करते हैं आप लोग. तो ओला उबर में क्या फंक्शन है आपको पता ही है, ऐप बेस्ड होता है. उसके ऊपर आपको बुकिंग करनी पड़ती है. बाइक लेना हो तो बाइक भी चल ही रहा है. अगर कार लेना हो, मिनी या फिर प्राइम, कुछ भी लेना हो कार्स में, तो वो भी आप ऑनलाइन ऐप के थ्रू आप बुक कर सकते हैं. आपको कहीं भी ट्रैवल करना हो, जाना हो, तो उसी हिसाब से हमारे यहाँ पे फिटनेस को ख्याल में रखते हुए अब ये बाइसिकल का बिजनेस मॉडल भी आया है. साइकिल भी आप यानी कि ऐप के थ्रू आप बुक कर सकते हैं और उसको आप चला के अपने हेल्थ के हिसाब से, या फिर अगर आप कहीं और से किसी स्टेट से अगर किसी स्टेट में जा रहे हैं और वहाँ पे सर्विस है और आप घूमना चाहते हैं पूरे स्टेट को अच्छे तरीके से, आप उसको देखना चाहते हैं कौन सी जगह कहाँ है, तो आपको साइकिल पे घूमना चाहते हैं, यानी कि टहल टहल के नॉर्मल अच्छे तरीके से चलाते हुए जाके आप टहल के घूमना चाहते हैं, तो उसके लिए अगर आप साइकिल उठाना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं आप. लेकिन वो कैसे करेंगे आप, क्योंकि इस बिजनेस को करने के लिए आपके पास एक अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट चाहिए होता है. बिकॉज साइकिल लेना पड़ता है. अगर आपको साइकिल परचेस भी कर सकते हैं आप इसके अंदर, और नहीं तो आप साइकिल रेंट पे भी ले सकते हैं. अब ये बिजनेस में स्टार्ट कैसे करते हैं, पहले तो ये मेट्रो सिटी में चलेगा. अगर आप रूरल एरिया में सोच रहे हो कि चलने जाएगा चलेगा, तो वहाँ पे कभी नहीं चलेगा. ये मेट्रो सिटी में अभी चल भी रहा है, दिल्ली एनसीआर में चल रहा है ये. और अगर आप चाहते हैं इसे एक्सपेंड करना, स्टार्ट करना, तो आप इसे मेट्रो सिटी में ही स्टार्ट कर सकते हैं. क्योंकि इस बिजनेस मॉडल का जो बेस है वो अभी सिटी बाई यानी कि स्टेट बाई स्टेट चालू होता है. लाइक अगर आपके पास पैसा है तो आप बल्क में बहुत सारा साइकिल परचेस करिए, और उसके बाद एक ऐसा जगह होगा मतलब एक लोकेशन चूज करिए जहां पे आपको लोकल अथॉरिटी से परमिशन लेके वहां पे एक बेस तैयार करना पड़ेगा. आपको एक कैंप तैयार करना पड़ेगा जहां पे आप अपने पूरे साइकिल को वहां पे उस बेस पे आप रखेंगे. तो आपको लोकल अथॉरिटी से वहाँ परमिशन लेनी पड़ेगी और उनके साथ में काम करना पड़ेगा मिलके. उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ सकता है. और दूसरा ये है कि आप लाइक ओला कार जैसे कि रेंट पे लेती है, वो दूसरे ड्राइवर्स के कार को रखती है या फिर बाइक को रखती है, वैसे आप चाहते हैं तो साइकिल भी जितने भी लोग हैं उनसे टाइप करके उनके साइकिल को रेंट पे लेके और उसे आप यूज़ कर सकते हैं. अब ये बिजनेस मॉडल रन कैसे होगा, काम कैसे करेगा, जैसे कि आपको एक लॉन्च करना पड़ेगा ऐप. मोबाइल ऐप लॉन्च कर सकते हैं आप. उसमें क्या होगा कि आपके जितने भी साइकिल्स हैं वो लोकेशन बाय लोकेशन वो ऐड होगा. उसके बाद जो भी अगर चाहता है राइडर बाइसिकल को बुक करना और घूमना चाहता है उससे, तो अपना लोकेशन डालेगा सेम जैसे कि ओला उबर में करते हैं. लोकेशन डालेगा, उस लोकेशन पे वो सर्च करेगा तो उसे दिखेगा कि हाँ मेरे जो नियरेस्ट पे ये बेस है, तो उस बेस का उसे वहाँ पे एड्रेस दिखाएगा कि आपके नियरेस्ट पे इतने साइकिल्स अभी स्टैंड में लगे हुए हैं. तो वो साइकिल वहाँ पे दिखेगा. और फिर वहाँ पे ऐसा भी नहीं कि आप जाके उठा के और यूज़ करने लगेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ पे अच्छे लोग हैं तो कुछ बूढ़े लोग भी हैं. क्योंकि पता है आपको अगर साइकिल लेके कोई भाग भी सकता है और भागेगा तो वापस मिल करने वाला भी नहीं है और वो लेके कहीं निकल ही जाएगा, तो उससे आपको लॉस होने वाला है. तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो उसके लिए जैसे ही आप ऐप प्रोवाइड करवाते हैं, ऐप लॉन्च करते हैं अपने बिजनेस से, तो उस बिजनेस के उस ऐप के ऊपर आपको कस्टमर से पहले आईडी प्रूफ्स लेने पड़ेंगे. आईडी प्रूफ्स जैसे कि आपको आधार कार्ड, वोटर आईडी या फिर कुछ भी आप ले सकते हैं जो कि एड्रेस प्रूफ हो, जहाँ से आप उस साइकिल को अगर लेके भागता भी है कोई कस्टमर तो वहाँ से आप उसको सर्च करके निकाल सकते हैं. तो पहले ऐप ऑन होगा, उस ऐप के साइकिल होगा, आप उसको निकालेंगे तो आपको वहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट देने के बाद कस्टमर को, फिर वहाँ पे सर्च करेंगे हाँ ये साइकिल मेरे नियरेस्ट पे है, तो वहाँ पे कोड मिलेगा. फिर उस कोड को लेके उस बेस पे जाएंगे आप नियरेस्ट. ऐसा नहीं है कि कार की तरह बाइक की तरह आपके घर पे वो आएगा साइकिल लेके, आपको जाना पड़ेगा वहाँ पर बेस जहाँ पर साइकिल बहुत से स्टैंड में लगा हुआ है. फिर वहाँ पे जाके वो कोड मैच करेंगे उस साइकिल से और स्कैन करेंगे, फिर उस साइकिल को लेंगे, फिर चाहते हैं जहाँ भी आप घूमना तो उसे घूम सकते हैं. तो ये बिजनेस मॉडल बहुत अच्छा है. लेकिन हाँ, जिसके पास ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है वही इस बिजनेस को
कर सकता है। तो अगर आपको ये अच्छा लगता है और इसे आप करने के लिए इच्छुक हैं तो आप इसे कर सकते हैं। तो यही था आज का बिजनेस मॉडल, बाइसिकल बिजनेस मॉडल। अगर अच्छा लगता है तो करिए आप और स्टार्ट करिए, और हो सकता है आगे चल के आप अगर स्टेट बाय स्टेट इसको लॉन्च करते हैं तो आपको भी बहुत सारे फंडिंग मिल सकते हैं बाद में, लेकिन उससे पहले आपको लगाना पड़ेगा। तो गाइज यही था आज का हमारा वीडियो। सो एंटरप्रेनर्स, बी मोटिवेटेड, डू स्टार्टअप एंड बिकम एंटरप्रेनर। दिस इज आदर्श एंड यू आर वॉचिंग बिजनेस स्किल विद आदर्श सिंह, साइनिंग ऑफ।